अंग्रेजी इकाइयों के लोग लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं, वहाँ बिना किसी रक्तपात के 550 से ज़्यादा रियासतों को और मात्र 4 महीने के अपने प्रयास से सरदार पटेल ने भारत में सबका विलय कराया और भारत को एक इतनी मजबूती दी कि जिसका उदाहरण देश और दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलता है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान में जो सम्मान स्थान देना चाहिए था वह उन्हीं के विचार से जुड़ी हुई सरकारों के लोगों ने नहीं दिया। हम नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए अभिनंदन करेंगे कि आज देश और दुनिया में सरदार पटेल का जो सम्मान होना चाहिए, जिसके वो हकदार थे, उस तरह का काम नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उन्होंने शुरू किया और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो नर्मदा के बीचों बीच दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। वह मूर्ति केवल मूर्ति ही नहीं है, अब वो भारत में और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल आज की तारीख से बनने जा रहा है और भारत में जो पर्यटन का, दर्शन का सबसे बड़ा केंद्र, जो 2-3 बड़े अवसर रहे हैं, अब निश्चित तौर से भारतवासी और दुनिया के लोग जब हिंदुस्तान में भ्रमण के दृष्टि से आएंगे, जानकारी के दृष्टि से आएंगे, हिंदुस्तान को जानने की दृष्टि से आएंगे, तो अब सरदार पटेल के उस स्मारक तक जाना एक स्वाभाविक स्वरूप बनेगा। यह भारत का गौरव बढ़ेगा। सरदार पटेल की जयंती के इस मौके पर रन फॉर यूनिटी हमारी पार्टी ने, यह केवल पार्टी का आयोजन नहीं है, देश के लिए लोग दौड़ें, देश की एकता के लोग समर्पित हों, उस दृष्टि से अभियान लिया गया है। इसमें देशवासियों का स्वागत है। उसी अभियान के दृष्टि से पार्टी की योजना में अपने संसदीय क्षेत्र के इस अजगरा विधानसभा की सरहुआ ब्लेट में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को और सारे कार्यकर्ताओं को इतने बड़े आयोजन के लिए बधाई देते हुए सरदार पटेल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित